बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। अभिनंदन दादा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे पंचायत के जिला परिषद सदस्य
और पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, निर्वाचित समर्थ सदस्य हैं, चाहे वो ग्राम कचहरी के हों या जिसके भी हों, हमारे समाज के उपस्थित लोगों, हमारे गणमान्य व्यक्ति साथी और सेवानिवृत्त शिक्षकों, अब मैं थोड़ा सा आश्वस्त अधिक समय नहीं लूंगा, चंद सेकंडों में ही अपनी बातों को खत्म करूंगा। मैं सबसे पहले उन बलवानियों को याद करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ जिनके बदौलत आज यह तिरंगा फहरा रहा है, हम आजाद हैं, हमारा देश स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में 75वां झंडोत्तोलन हो रहा है। हम सबको मुबारकबाद देते हैं, हम सबको इसके मंगल में कामना करते हैं और सबके लिए यह हीरक जयंती की ओर बढ़ जाए, इसमें आपकी भागीदारी हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। साथ ही बहुत से बढ़ता है आपके तो इसके इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, आप स्वयं भी जानते हैं, इसलिए मैं इस झंडे को नमन करता हूँ और मैं इतना कह करके अपने बानी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पंडित रघुनाथ जी। अब इसी गांव के हैं सेवा शिक्षक श्री रामविलास राम जी, हम लोग जो पसंद है स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करने जा रहे हैं। सम्मानित दिल्ली पट्टी ग्राम पंचायत के मुखिया जी, श्रीमती रूपम कुमारी जी, हमारे गांव के सरपंच चंदा कुमारी जी, मुखिया पति वीरेंद्र कुमार जी, शिक्षा जी मनोज कुमार जी, मनीष कुमार सॉरी, और यहाँ उपस्थित गांव के बुजुर्ग सज्जन जी, बच्चे हमारी माँ बहने, ये गौरव गाथा को हम मना रहे हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व हमारे देश को आजादी मिली, आजादी में हमें बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी, तब जा करके हम आजाद हुए और आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश को आपकी जरूरत है, आप विकास करेंगे देश विकास करेगा। हमें हर क्षेत्र में अपना अपना काम निष्ठापूर्वक करना है और देश के लिए भी सोचना है, समाज के लिए भी सोचना है, अपने गांव के लिए भी सोचना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और शान से जीना है तो इस राष्ट्रीय को, इस राष्ट्रीय झंडे के लिए हम अपनी कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार हैं। हम किसी के साथ में झुकने वाला नहीं है और ना झुकेंगे ना झुके। ये देश सत्ता सबसे पहले इस देश में आया, इस देश की संस्कृति अनोखी है, अनेकता, सभी संप्रदाय सभी जातियों के लोग रहते हैं लेकिन सभी साथ रहते हैं, यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। हम हर परिवार में एक दूसरे के साथ जाते हैं,
और सबसे बड़ा पर्व यह राष्ट्रीय पर्व है जिसने सब कुछ भुला करके इसके नीचे आवाज आना चाहिए, इसकी गरबा को सलाम करना चाहिए। अंत में मैं उन शहीदों को नमन करते हुए जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमें हम भारतवासियों को आजाद किया और विश्व में एक बहुत बड़ा नाम दिया। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे महात्मा गांधी भगत सिंह, जय हिंद, जय भारत। कितना अच्छे से हम बोले हैं इस तिरंगे के प्रति, इस तिरंगे के लिए लोग आन पान और प्राण की तरफ करते हैं। इस तिरंगे को तीन रंग में बनाया गया है, केसरिया, सफेद और हरा, और आप अपने बीच में चक्र का चिन्ह देखते हो केसरिया।